हमारा जमीन हमारे ठेकेदार ने कब्जा कर लिया है और उन लोग पास वकील मुख्तार है, उन लोग पास पैसा है, सरकारी नल जल योजना का ठेकेदार है, पाइप तोड़वाते हैं, फोड़वाते हैं, मैंने बेचवाते हैं उन लोग पर, मैंने ऊपर तक पहुंच है, कोई कुछ नहीं करता है। उसका वीडियो भी है हमारे पास, फोटो भी है, यही नल जल योजना का सरकारी पाइप तोड़वा रहे हैं, बेच रहे हैं, वीडियो भी है हमारे पास, लेकिन कोई अधिकारी द्वारा कुछ करता नहीं है, पैसा पा जाता है, कुछ करता नहीं है। आज सोमवार है, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लग गया है और फरियादी आने लगे। एक बार तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से फरियादियों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही होगी आपको। बिहार के मुख्यमंत्री जो है प्रति सोमवार जनता दरबार लगाते हैं और लंबे समय बाद जो है जनता दरबार जो है फिर से एक बार लग गया है। फरियादियों की अलग अलग मांग है, अलग अलग समस्या को लेकर जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास मिलने आते हैं और अपना फरियाद जो है सुनाते हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बघा से एक फरियादी आए हैं, जमीनी विवाद का मामला है और कांग्रेस नेता पर इनका आरोप है कि कांग्रेस नेता जो है इनका जमीन हड़प लिया। तो आइए सीधा सीधा जुड़ते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा दूसरा सोनी बाघा, शास्त्री नगर का मैं रहने वाला हूँ। तो हम 8 साल से परेशान हैं, मुख्यमंत्री साहब को अनेकों बार आवेदन दिए हैं, लेकिन रजिस्टर किए हैं। मामला क्या है? मामला भूमि से संबंधित, हमारा जमीन हमारे ठेकेदार ने कब्जा कर लिया है और उन लोग पास वकील मुख्तार है, उन लोग पास पैसा है, सरकारी नल जल योजना का ठेकेदार है, पाइप तोड़वाते हैं, फोड़वाते हैं, मैंने बेचवाते हैं उन लोग पर, मैंने ऊपर तक पहुँच है, कोई कुछ नहीं करता है। उसका वीडियो भी है हमारे पास, फोटो भी है, यही नल जल योजना का सरकारी पाइप तोड़वा रहे हैं, बेच रहे हैं, वीडियो भी है हमारे पास, लेकिन कोई अधिकारी द्वारे कुछ करता नहीं है, पैसा पा जाता है, कुछ करता नहीं है। कांग्रेस नेता भी आपने लिख रखा है? हाँ, ठेकेदार भी है। अच्छा। उसका घर में ठेकेदार भी है, वो सब काम कराते हैं, सब तोड़वाते हैं, तोड़वाते हैं, बेचवाते हैं। और हमारा जमीन कब्जा कर लिया है, डीएम साहब से भी 3-4 बार मिल लिए और आवेदन दे चुके हैं। इतना जमीन कितना है आपका? जमीन हमारा 4 कट्ठा, 2 कट्ठा मात्र कब्जावारी में, 2 कट्ठा गसबन कर लिया गया है, कब्जा कर लिया। वो भूअर्जन से संबंधित जमीन, हम चाहते हैं भूअर्जन का नापी हो, भूअर्जन का जमीन जितना जू लिया है वो छांटा जाए, बाकी नाप कर दिया जाए, लेकिन नापी होता है ना कहीं कुछ होता है, एकदम हम लोग का तबाह कर दिया। अब पक्का मकान का निर्माण करा रहा है वो सब। सीओ हैं वो क्या कहते हैं आपके? सीओ साहब चाहे एसडीएम साहब सिर्फ आश्वासन देते हैं। एसडीएम साहब के सामने यही पोस्टर लेकर गए थे हम लोग, भूख हड़ताल किए थे पूरा परिवार के साथ। उन्होंने बोला कि हम आपके जमीन नपवा देते हैं, लेकिन अभी तक कोई नापी नहीं हुआ है। डीएम साहब भी बोले हैं 44 कराते हैं, 44 के बाद भी काम हो रहा है और किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। बताइए, अभी गरीब आदमी के ऊपर 44 लग जाए तो लोग सब कुछ उठवा ले जाते हैं, लेकिन वो पैसा वाला है तो उनके पास वकील मुख्तार है तो कोई कुछ नहीं करता है। वो 44 के बाद भी काम करवा रहा है, बनवा रहा है और हड़प रहा है जमीन, कोई कुछ करने वाला। नगर परिषद से भूअर्जन भी, उसका भी सरकार द्वारा भूअर्जन लिया गया है 6 डिसमिल का, लेकिन वो 28 दूर का नक्शा पास करा लिया है नगर परिषद ने पैसा देकर। हमारा 2 कट्ठा मात्र जमीन का बजवारी आप करते क्या? हम दुकान एक चलाते हैं, हम झगड़ा झंझट करने वाले नहीं है, हम लोग कमजोर हैं, हमारे पास सवाई नहीं है, इसी कारण वो सब पैसा वाला है। अब उस लोग के पास सवाई है, वकील मुख्तार है, सब पैसा का दम पर पहुँच के उन लोग के पास पहुँच है, इसी करके जबरदस्ती। अच्छा, क्या बोलते हैं वो लोग जो कांग्रेस नेता बोलते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री के पास जाओगे तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है, एक बार दौड़ आए हो, क्या हुआ है, किधर क्या उखड़ गया है, कुछ उखड़ने वाला नहीं है। देते हैं क्या? धमकी भी देते हैं मारने के लिए, पीटने के लिए, उन लोग के पास कहते हैं मरवा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा। हाँ, धमकाते रहते हैं हम लोग। बताइए आदमी कहाँ जाए, बताइए, मुख्यमंत्री साहब से मिल लिए, मुख्यमंत्री साहब आदेश दे दिए, वहाँ से आता है आदेश, वहाँ पे नीचे दब जाता है। जब मुख्यमंत्री का आदेश जब नीचे दब जाता है तो आदमी किसके पास जाए? एक उत्तर प्रदेश में योगी बाबा हैं, जो उनके आदेश पर 2 मंजिला 4 मंजिला मकान टूट जाता है और इनके आदेश पर एक नापी नहीं हो पाता है। आदमी कहाँ जनता दरबार में आए हैं, क्या कहा जा रहा है? जनता दरबार में मिलाए हैं, यहाँ पे तो हमने ऑनलाइन किया था। अच्छा। एक ऑनलाइन करने के 10 महीने बाद हमको, मैंने मुलाकात हुआ। अच्छा। और 10 महीने के बाद मुलाकात होने के बाद 5-6 महीने हो गया, फिर भी हमारे समस्या का निदान नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री से मिले हैं? जी मिले हैं, उसका सब कागज पत्र देखिए, ये जनता दरबार में आप बैठक दिन उपस्थित थे, मुख्यमंत्री हमारा ये आवेदन संख्या आई थी। आपकी जो बातें हैं वो सुने थे मुख्यमंत्री जी? सुने थे। फिर कहे थे क्या मुख्यमंत्री? बोला कि चलो हो जाएगा, कर दिए, हो जाएगा। और अधिकारी लोग बैठे हैं वहाँ पे, सब लिख पड़ा गया, वो लोग सुने बढ़िया से, वो तो सिर्फ एक आधा मिनट, 1 सेकंड, 1 मिनट सुनते हैं, उससे ज़्यादा सुनते नहीं है। बोले हो जाएगा, ठीक है। और वो हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का भी नहीं सुना? मुख्यमंत्री का जब नीचे नहीं सुना जा रहा है, बताइए अब मुख्यमंत्री से, बिहार में मुख्यमंत्री से बड़ा कौन नेता कौन है जो बताइए? इनसे तो कुर्सी नहीं संभाला जा रहा है, जब मुख्यमंत्री का आदेश के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यानी कि मुख्यमंत्री साहब भी कमजोर है।
नीतीश कुमार तो कह रहे जनता कमजोर है, जनता कहाँ राज है, जंगल राज है, एकदम महा जंगल राज है, एकदम कहीं कोई गरीबों को कोई सुन नहीं रहा है। बताइए अब डीएम साहब को, डीएम साहब का आदेश, एसडीएम साहब का 44 हुआ, 44 का कागज भी हमारे पास है, फिर भी वो जबरदस्ती से बनवा लिया, घर बनवा लिया जा रहा है, आज ढाला, आज ढलने जा रहा है घर, हम किसी तरह आए हम लोग मार रहे हैं, जमीन लूट के घर ढाल रहा है। हाँ जी, जबरदस्ती बन 44 होने के बाद भी घर ढाल रहा है, यानी कि भूमाफियाओं को संरक्षण मिला है सरकार का। हाँ संरक्षण मिलता है, वो लोग कांग्रेसी नेता है, पैसे वाला इसी करके वो कोई काम नहीं हो रहा है, गरीबों को कोई सुना नहीं जा रहा। बताइए हम योगी बाबा के पास नहीं नहीं जाए, मोदी के पास नहीं नहीं जाए, बिहार में है तो नीतीश कुमार को वोट दिए थे, मंगल राज के नाम पर जंगल राज ला दिए है, बताइए गरीब आदमी किसके पास जाएगा। क्या नाम क्या है आपका? हमारा नाम दशरथ अनिबागा, पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ, शास्त्री नगर जी, शास्त्री नगर से आए हुए। देखिए ये बघा से आए हैं, शास्त्री नगर बघा से पोस्टर लगाए हुए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आए हैं, पहले भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन इनको दिया कि आपका जो फरियाद है वो सुन लिया गया है और कार्य जो है हो जाएगा आपका, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। इनका फरियाद सुनने के बाद भी ये ऐसे ही दर दर भटक रहे हैं और लगातार गुहार लगा रहे हैं, इनकी जो जमीन थी वो कांग्रेस के नेता जो है वो हड़प लिए, इनका सीधा सीधा आरोप है, वहीं आला अधिकारी के पास पिए गए हैं और उन्होंने कहा कि 44 लगाकर जो है आपका काम करवा देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो लोग इनका जमीन हड़पे हैं वो अभी तक इनका जमीन नहीं दिए हैं, तो इनका साफ साफ बिहार सरकार पर आरोप है और जिस तरीके से अधिकारी हैं उन पर भी आरोप लगा रहे हैं। इनका साफ कहना है कि कांग्रेस नेता को सरकार संरक्षण देती है। तो फिलहाल क्या कुछ कहती है आपने सुना है, देखने वाली बात यह होगी कि इनका फरियाद कब तक सुना जाता है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद।